ऐसे ही चैप्टर बड़ी अच्छी सीख देता है कि आप जब तक स्टूडेंट हो अभी तक ये टंट नहीं है आपके साथ, पास और क्या फेल। एक बार आप इस मार्केट से बाहर गए तो ये पास और फेल का खेल खत्म हो जाता है। फिर खेल शुरू होता है हार और जीत का, जो आपके पेरेंट्स खेल रहे हैं आज तक, तो खुद को साबित करने की जिद हो जाती है और इसीलिए वो हर रोज एक नई लड़ाई लड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए पूरी पावर के साथ, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यहां हारने का मतलब है गई लाइफ। अभी आप स्टूडेंट हो ना तो आपके सामने बड़े छोटे छोटे से फेल है, वो छोटे छोटे से हर्डल्स रखे गए, आप पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, फिर खड़े हो फिर भी पढ़ दे दिया। रियल लाइफ में ऐसा होता है, आप बिजनेस में एक बार हार जाओ, एक बार वो क्या दिखाओ दोबारा रीअपीयर, लड़ते हैं वो जान लगाते हैं पूरी, वहां कोई मार्कशीट नहीं बनती, सीधा रिजल्ट आता है, कोई वार्निंग नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले ना एक पेरेंट्स आए थे, मैं उनके बच्चों को यही समझाता पेरेंट्स के सामने, और मैं ये बोल रहा था कि तुम लोगों की लाइफ अभी पता कैसी है, जैसे कमांडो ट्रेनिंग में जाओ ना तो जब नए नए होते हैं ट्रेनिंग देते हैं तो नकली गोलियां देते हैं और नकली टारगेट देते हैं ट्रेनिंग में स्टार्टिंग, पता नहीं कैसा बंदा कैसा रिएक्ट करेगा, तो नकली गोली नकली टारगेट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जिनमें जहां नया नया जोश था बड़ा उछल रहे होते हैं, उछल उछल गोली चला रहे हैं, लेट के हो जमीन पे उछल गया, बड़ा एनर्जी है, फर्स्ट क्लास मस्त हो रहा है, और फिर एक दिन मिलता है असली टारगेट और असली गोलियां, और फिर उन्हें मिशन पे भेजते हैं कि बेटा इस बार गोली तेरी तरफ से नहीं चलेगी, गोली सामने से चलेगी, वो भी असली होगी, चुका तो लाइफ गई। तब समझ में आता है उन्हें कि साले इस बार मारने का नहीं मरने का भी रिस्क है। ऐसी तुम लोग इस समय जो है ना अब ट्रेनिंग कैंप पे हो, आप लोग बिंदास खेलो दबा के, फेल हो गए क्या फर्क पड़ता, मैं तो कई बच्चों को बोलता हूं हो जा फेल, लड़ तो सही, लड़ तो सही, फेल ही तो होगा, तू अभी खड़ा हो सकता है, नकली है सब कुछ नकली है, टारगेट तक नकली रखे हुए अभी तुम्हारे सामने। जिस दिन ये ट्वेल्थ निकल गई ना, टारगेट भी असली होंगे और गोलियां भी असली होंगी, मुंह पे बोला जाएगा आपके आप फेल हैं, यू आर नॉट सिलेक्टेड, कंप्यूटर ही आपको जवाब दे लेंगे। पहले तो कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो पियोन जाते थे ना कॉलेज, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता तो उसे गेट पर रुकवा लेते थे, जिनके आप वो पूछता गेट पे कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके, तो मान लो सपोज जैसे हमारे टाइम पे क्या हुआ, हम गए SRCC, तो हमसे पूछा भाई तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो इतने परसेंट मार्क्स हैं जी हमारे, तो मैं सॉरी आप अपीयर नहीं, आप अंदर फॉर्म भी नहीं मिलेगा, बड़ी बेइज्जती लगती थी साले, तो भाव आपस में। अब ऑनलाइन सिस्टम, तो अब क्या होता है कि अब इन्होंने तो सिस्टम बड़ा खतरनाक, मैथ का पेपर आया, CUET का वैसा बड़ा खतरनाक पेपर आया, तो अब क्या है कि अब बच्चे ना, अब बच्चों को लग रहा है तो डिनायल आ रहा है यार, तो सारे मैं बोल रहे यू आर नॉट सिलेक्टेड, कंप्यूटर बोल रहा नॉट सिलेक्टेड, अब घबरा रहे क्योंकि अब फेलियर दिखने लगा, चाटा पेरेंट नहीं मार रहे, अब चाटा दुनिया की तरफ से आ रहा है, तो वैसे जाओ पहले आप प्यार मोहब्बत कर लो, अब वो भगा रहे खाले। और कमाल की बात यह कि रिजल्ट के बाद मैंने बड़े बड़े प्यार मोहब्बत टूटते हुए देखे, वैसा इतना बुरा हाल देखा है मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में कि बच्चों को रोते भी लगते देखा है मैंने, बुरी तरह से पूछते नहीं फिर बाद में कोई, भाई सक्सेस हर एक को पसंद है, जब तक आप सक्सेस के साथ हो दुनिया आपके साथ खड़ी है, जिस दिन आप फेलियर हो गए ना सब साइड में खड़े हो जाते हैं एंड के अंदर, ये होता है भाई लाइफ में होता है, सक्सेसफुल लोगों के साथ दुनिया खड़ी होती है, भाई सक्सेसफुल होता कौन है बताओ, सक्सेसफुल की डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्या, बहुत पैसा है, बहुत नॉलेज है, ना पैसा सक्सेसफुल होता है ना नॉलेज सक्सेसफुल होती है। सक्सेस का मतलब होता है आपका नेचर जुझार होना चाहिए, किसी भी मोमेंट पे आप खड़े हो जाओ, सक्सेस होता किसे कहते हैं, मैंने प्यार किया पिक्चर देखी तुमने सलमान खान की, देखना आज बहुत पुरानी पिक्चर, पहली पिक्चर थी 1992 के आसपास की, कॉलेज का शायद मेरा सेकंड या फाइनल ईयर था उसमें, उस पिक्चर में मुझे कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन एक आखिरी डायलॉग में सब ऐसा दिल को छू गया कि मतलब एक बार तो दिल करा कि मोहब्बत हो ही जानी चाहिए। ठीक, उस आखिरी पिक्चर में कहते हैं सलमान खान जो होता है मतलब जो लड़की का बाप होता है वो कहता है कि तू बहुत अमीर, वो बहुत अमीर बाप का बेटा होता है सलमान खान, वो कहता है तू मेरे लड़की की वैल्यू क्या करेगा, तू सारे पैसे से तूने हर चीज खरीद दी है, तू पैसे से तोलेगा हर चीज को, तो तू पैसा कमा के दिखा, अगर तेरे में वाकई सच्चा प्यार है तेरे को तो कमा के दिखा। अब बेचारा सलमान खान लगा हुआ है बेचारा ट्रक ड्राइवर बन जाता है, अब जब ट्रक लाइन में जाओगे ड्राइवर लोगों से मिलोगे तुम्हारा पीटी होगी, उसे मारते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर आ गया, अब बेचारा भूखा प्यासा बैठा होता है, तो मतलब जो पिक्चराइजेशन गया वो तो किया ही किया, तो मतलब एक महीने के अंदर से 2000 रुपये शायद कुछ ऐसे कमाने को बोलता है कि एक महीने में अगर तू 2000 रुपये कमाएगा तो मैं शायद एक बार को हाँ करूँ। अब बेचारा मार वार खा पी के खूब गुंडे जैसे हमारी हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं लड़ जाकर खून खून हो गया होता है, वाने भीग भाग के जाता है और पैसे बचा लेता है किस तरह से, गुंडे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये वहां तक पैसे ना पहुंचा पाए, पूरा फोकस उस पर लिया है वो, अब वो बेचारा बाप के आगे लड़की बाप के आगे 2000 रुपये ऐसे हाथों में रखता है तो वो नोट सारे भीगे होते हैं फटे होते हैं ऐसे।
तो सीन का आखिरी मोमेंट होता है और लड़की बाप कहता है कि ऐसे पैसे से मेरी बेटी को खुश रखेगा तू? ये पैसे तो फट गए, ये पैसे बेकार हो गए, तू हार गया सब। मतलब पूरा इमोशनल माहौल हो जाता है उस टाइम 1982 के लोग तो वैसे इमोशनल साले, आज तो रोने लग जाते। अब होता क्या है कि सलमान खान मतलब थोड़ी देर पिक्चर बिल्कुल चुप हो जाता है, मोमेंट ऑफ साइलेंट बिल्कुल एकदम, और साइलेंट मोमेंट एकदम अचानक बोलता है कि अब भाऊजी मैं फिर से कमाऊंगा, फिर लेकर आऊंगा। और जब वो ये बात बोलता है तब लड़की का बात बोलता है मैं हार गया। क्यों? क्योंकि अब तेरे में सक्सेस, तू हार मानने वालों में से नहीं है। जो बंदा फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है ना, वो है सक्सेसफुल पर्सन। जो ये कहता है कि लाइफ का कोई मोमेंट मुझे हरा नहीं सकता, वो है सक्सेसफुल पर्सन। पैसा सक्सेसफुल नहीं है साला, किसी भी टाइम पे धोखा जाता है। पैसे वाले की औलादे देखो पार्क में घूम रही है, व्हील चेयर में बैठे हुए, जिंदगी भर कमाया, औलाद ने क्या करा? एक लड़का रख दिया बेचारे व्हील चेयर में बैठे, भले लड़का घुमा रहा, औलाद बेचारी गायब। फैक्ट्री लोन क्या उनके पास? आज बिल्कुल लोन ले, कुछ नहीं उनके पास, जिंदगी भर का तजुर्बा है उनके पास खेलने का। लेकिन आप उनसे बैठ के बातें करो ना, दो मिनट रो पड़ते हैं वो, यार ये कमाया आपने कौन नॉलेजेबल आईएएस, बड़े बड़े उनसे क्या नॉलेज होगी, सुसाइड कर लेते हैं। कोई आईएएस की नौकरी छोड़ देते साले, जो इंडिया की सबसे मोस्ट टॉपेस्ट जॉब है छोड़ देते हैं, क्या कर लेगी नॉलेज? इंसान जीता एक ही चीज के सहारे, जज्बे के सहारे। वो जिसमें जिंदा है ना, वो जब तक जिंदा है, देखो ना 80-80 साल के लोग मैराथन में सारे भाग जाते हैं, 80 साल की एज और मैराथन का जज्बा। सक्सेस इसे कहते हैं जिसकी सोच बहुत अच्छी हो, जिसके विजन बहुत स्ट्रांग हो, जो किसी भी मोमेंट पे फाइट करने को तैयार हो, मैं हार नहीं मानूंगा, इसे सक्सेस कहते हैं। भगवान ने उसे बहुत बड़ी दौलत दी है, आप इसके साथ जीना सीखो। कई बच्चे मेरे सामने आते हैं कैसे, होपलेस, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरे एग्जाम नहीं, तो मैं बड़ा डर जाता हूँ, ये कैसा इंडिया बन रहा है साला ये। अरे तुम लोग तो उस जमाने में इंडिया जैसा, महाराणा प्रताप जैसे लोग साले, अकबर जैसे कभी सामने ही नहीं आए उसके डर के मारे, ना 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 उसके नाम से खौफ खाते थे साले, उस देश के तुम लोग था लोग। अब इंडिया को क्या बना दिया, मोटर बना बना के ये हाल कर दिया, खत्म। पर एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बात कही, मेरे बेटे ने बात बोली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तू मतलब ठीक रहे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप भी समझो बातें सारे सारे। आप सक्सेस की डेफिनेशन बदलो, तुम्हारे दिमाग में गलत बैठा दिया किसी ने कि अच्छे पैसे वाले गाड़ी वाले सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। एक दिन दिख लो उनके जैसा, वैसा झंडू में समझाएगी जिंदगी की आपकी सालों की झंडू है जिंदगी उनकी, तुम्हें अच्छी लगती है क्योंकि तुमने सपने देख रखे कि भाई फ्लाइट से जा रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं, वो फोटो डाल रहे हैं, कुछ नहीं है वो लिया लाइफ में, बहुत देखे मैंने जिंदगी ये सब। तुम्हारे सामने टीचर खड़ा ना, घाट घाट का पानी पी के बैठाया, बहुत कुछ देखने के बाद, ठीक है, बहुत कुछ देखने के बाद बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं है सिर्फ आपको। बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज मुझे अभी भी क्या लगती है पता, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत आराम से बहुत किसी हिल एरिया पे पैदल वॉक करता हूँ, और खासतौर पर शाम का या रात का टाइम, मुझे बहुत अच्छा। उसके आगे मेरे लिए कुछ सब फेल है, वो अलग बात है, मैं घुस कहीं भी जाऊंगा ठीक है ना, मतलब अगर डीजे हो तो मुझे परहेज नहीं है, नागिन डांस से मुझे कोई नफरत नहीं है, ठीक है, मैं परहेज किसी चीज से नहीं करता। लेकिन अगर कोई बोले कि आप बेटर कहाँ फील करते हैं, तो मैं बेटर उसी में, शांति मुझे बहुत पसंद है, रियल में सक्सेस वहीं से मिलती है और मिलती भी वहीं से। तो आप भी बात सीखो, आपकी तो उम्र है बेटा, आप तो कुछ भी कर सकते हो, अभी अभी एग्जाम है आपका, ये चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज बदलते हैं हर टाइम पे। अब कोई बोले कि मुझे आज ही पैसा कमाना है, तो पागल है साले, तो गलत टाइम पे गलत टारगेट लेगा तो कैसे कर लेगा, मुझे आज ही सक्सेस, आज ही टॉपर, कैसे कर लेगा टॉपर, रिजल्ट नहीं आ रहा आज, थक जाओगे जल्दी। आज वो सोचो जो आज हो सकता है, तो आज क्या हो सकता है, आज आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक पिज्जा एक कोक खा सकते, पी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेले रिलैक्स होकर घूम सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, बस इतने कर लो आज, आज का दिन तो सक्सेस हुआ। ऐसे सक्सेस ढूंढो, आज सक्सेस ढूंढो बस, कल की छोड़ो, कल की छोड़ो, कल सक्सेस होंगे इस पे मत जाओ, आप दुखी हो जाओगे, थक जाओगे, क्योंकि अगर आप कल का सोचोगे आज का दिन आपका अनसक्सेसफुल रहा, वो आप में फ्रस्ट्रेशन ले आएगा। सिर्फ आज की प्लानिंग कर लो कि आज अच्छा कैसे बना सकते हैं, चलो मम्मा से बैठ के दो बातें कर लेते हैं, चलो आज फ्रेंड्स से दो बातें कर लेते हैं, आज बैठ के एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना किसी लालच के, आज निमेकल कर लेते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसलिए कि आप उसे खुश हो, आपको खुशी मिले उससे, बस आपका दिन सक्सेस हो गया, आपके जो महीने हैं वो भी सक्सेस होंगे, आपकी लाइफ भी सक्सेस होगी। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आज मैं 10 चैप्टर खत्म करके मानूंगा, पागल हो आप, जिद मत पकड़ो किसी चीज की, छोटे छोटे टारगेट रखो जो खुश कर सके। मेरा एक दोस्त है, इसमें पूरे गुड़गावा का सुपरिटेंडेंट है वो, मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं पूरे उसके हरियाणा के उसके अंडर आते हैं, उसके कंट्रोल में चलते हैं, लगभग फर्स्ट क्लास ऑफिसर है। तो एक दिन मैं और बैठे थे, मतलब बहुत मेरे क्लोज रिलेशन में, हम चार फ्रेंड हैं और चार है, मतलब पांच फ्रेंड में पांचवा मैं जो सबसे अनसक्सेसफुल पर्सन है, ठीक, और वो जो चारों हैं चारों दुनिया में टॉप मोस्ट पे, दो गवर्नमेंट में टॉप मोस्ट पे बैठे हैं, एक तो उसमें है आर्बिट्रेट प्रोसेस के अंदर होता है, आर्बिट्रेट होता है जब दो बड़ी बड़ी कंपनी में डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, जैसे रिलायंस में टाटा में डिस्प्यूट हो गया, तो बीच में मीडिएटर की तरह बैठता है दोनों कंपनी के एमडी के साथ, हाँ, और उनके एक लॉयर होता है, वो तो जज है,
वो तो सारा सेटलमेंट कराता है उनकी बैठ के, हाँ बोल तो क्या कर रहा है, और जो ऑर्डर पास कर देगा डिनाई नहीं कर सकते दोनों, इस लेवल पे काम कर रहा है वो। और हम लोग लगभग 2 या 3 महीने में एक आध बार कभी मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बिजी मैं हूं। मतलब वो साले हमें बोलते हैं, बाकी तुझे साले फोन करने पड़ते हैं, तू हमारे आगे बैठ रहा है, तू मेरे आगे बैठ के देखो, तू मेरे आगे बैठ के देखो। यार एनीवे अच्छे फ्रेंड्स हैं हम सब लोग। तो लाइफ में कभी कभी ऐसे पॉइंट होता है, उसने मुझे बहुत बढ़िया बात बोली, जानते हो क्या बोला उसने, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा जिंदगी में खुशी के बड़े मोमेंट, बड़े बड़े मोमेंट कितने होते हैं, जैसे तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा मोमेंट क्या होगा, तुम्हारी शादी शायद पहला मोमेंट होगा, वो तो बचपन से सोचते आ रहे हो, आजकल तो बच्चे जल्दी सोच लगते हैं, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा दूध की बोतल बाद में आएगा, बोले मेरा वाला कहाँ है, ठीक है। तो अब तो ये मोमेंट प्रायोरिटी बना लीजिए बच्चों ने अपनी, जबकि पहली प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए। और ठीक है चलो, अब हम मानते हैं कि करियर गया बाहर है, ये बताओ शादी कब होगी, ठीक है, ये खुशी का मोमेंट है, बताओ कितनी बार होगी तुम्हारी शादी, बताओ एक तू हो एक ज्यादा ज्यादा कितना, यानी खुशी का एक बड़ा मोमेंट जिसकी तुम सालों बिता रहे हो वो एक बार आया, हाँ ना। चलो दूसरा मोमेंट कब आएगा, चलो औलाद होगी, दूसरा खुशी का मोमेंट होगी, उसके बाद कब औलाद की शादी होगी, तीसरा मोमेंट होगा, बोलो हाँ ना। सक्सेस आप सोच के देखो, जिंदगी में बड़ी बढ़िया खुशी, बहुत बड़ी बड़ी खुशी, मकान ले लिया आपने, कोठी ले लिया आपने, चलो बहुत बढ़िया पैसा हजार ले जी, ऐसे मोमेंट कितने होंगे आपकी लाइफ में, ऐसे मोमेंट कितने होंगे आपकी लाइफ में बताओ, गिनो फिंगर भी गिन सकते हो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, कितने ऐसे बड़े मोमेंट जो आप होंगे दिल खुश हो जाए, इसी के लिए जीता था मैं, ऐसे मोमेंट मुश्किल से 5 या 10 बता पाओगे मुझे, 10 तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप, घर रास्ते जाते गिन लेना आज, 10 तो होंगे हमारी जिंदगी में, 10 तो बड़े मोमेंट होंगे, 10 भी नहीं होंगे साले इतने, मतलब आपकी जिंदगी एवरेज लगा लो, 100 साल की जिंदगी लगा लो, 100 साल की जिंदगी में 10 मोमेंट, जबकि 100 के यानी कितनी जिंदगी, तो उसे कितनी बढ़िया बात बोली, क्या बड़े बड़े मोमेंट ना लाइफ में 4-5 होते हैं, और हम बेवकूफ इंडियंस उन 4-5 मोमेंट के लिए जीते हैं, तो करा बेटर यह कि हम छोटे छोटे मोमेंट को रोज जीते, तो ऐसे मोमेंट रोज जीत जा सकते हैं, पर सोच यहां गलत बैठा रही है, जानते हो सारी बातें बाना को उसने क्या बोला, हाँ बोल, अरे डोसा खाएगा, मैं कहा अगर मद्रास उधर है साले, मतलब वो रेडी भी बनाते यही खाएंगे, बैठ के बारिश हो रही, कह रहे यही बैठ खाएंगे, अब वो कह रहा साले कोई देख लेगा, कह रहे भाड़ देगा, तो उसने तब ये बात बोली, कह रहे ये मोमेंट जियो, ये बार बार आएंगे, और जिन मोमेंट के लिए तुम अपनी जिंदगी खपा रहे हो वो सिलेक्टेड है, वो 4-5 है जिंदगी में, उनके लिए तुम जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हो अपनी। ये उन लोगों की बातें बता रहा हूं जो गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट पे हैं, उन्होंने तजुर्बा देखा है, लेकिन मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे मेरे सारे फ्रेंड है भी सनकी मेरे जैसे, सनकी इन द सेंस कि उसे तो कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली है बड़ी बड़ी, छोड़ देता है, पैदल वॉक करता है मेरे साथ, पैदल चलेंगे मैं चल, कोई हमें देखे तो कहेगा ऐसा बेवकूफ, पर मोमेंट है, हम जो बातें गाड़ी में बैठ के आराम से नहीं कर पाए वॉक करते करते कर लेते, ये है सक्सेस, विजन है। आप अपने छोटे छोटे मोमेंट को संभालो, कभी पेरेंट्स के लिए आप भी चाय बनाओ, कभी मैं ये कह रहा कि यही बनाना है, एक सर ने बोला है ये लो चाय मोमेंट एंजॉय करो, मेरा ही हो गया भाई, क्या है तुम्हारे सर, ये नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, मोमेंट सिलेक्टेड कर सकते हो, आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा अपना तरीका है, मोमेंट के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई कैसे अच्छा करता है, कोई कैसे अच्छा फील करता है, वो करो आप, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप जितने बच्चे इसमें बैठे हैं आप देखना सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आपको टर्निंग पॉइंट की जरूरत है, आपको जीने की ही जरूरत है, आपको खुश होना है, पावर है आपके पास इस टाइम, कुछ भी कर सकते हैं आप, ये छोटा सा सब्जेक्ट